किसी दिन भी देखना था, अपने ही घर में छुपना पड़ा है सिर्फ उस ठरकी बुढ़े की वजह से। ठरकी बुढ़ा हमारी जिंदगी से जाए ताकि हमारी जान छुप जाए। मुंशी जी बिना जुगनू, तुम हो, मुझे डरा दिया। सॉरी, सुनो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम इतनी तकलीफ में हो। तकलीफ की तो खैर है, अच्छी बात ये है कि मैं यहीं हूँ। मुंशी जी कहाँ है? तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो? मैं भी तो थोड़ा सा कर सकता हूँ ना। मुंशी जी गायब। कहाँ? मैंने उनको गांव भिजवा दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब अपनी लगाई बुझाई की आदत से मजबूर सबको ये बता देंगे कि मैं यहाँ से लड़के गई। नहीं, लेकिन उनको खास तौर पे मना किया कि किसी को मत बताना। फिर तो जरूर बताएंगे। दे ताली। चलो, अब तुम्हें यहाँ छुपने की जरूरत नहीं, तुम अंदर जा सकते। चलो, मेरी तो बस यही दुआ है अल्लाह ताला कि मुंशी जी बस से गिर के खाई में मर जाएं बस। हाँ, और उनका छाता भी ना खुले, उनको सांप भी काट ले। ये थोड़ा ज्यादा हो। चल। नहीं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा है ना, हमारी जान छूट जाएगी। हाँ, काटे काटे। तौबा तौबा तौबा, छोटे साहब बड़े साहब, ना जाने क्या क्या कह रही थी वो आपके बारे में, बता नहीं सकता मैं। बख्शी जी, गोल बोल बात मत करें, सीधी तरह बताएं क्या कह रही थी वो। जी कह रही थी कि नहीं नहीं साहब, मैं नहीं कह सकता, मैं तो सुनते हुए भी मेरे कान फट रहे थे उस वक्त। नहीं साहब। बख्शी जी, यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस। जी जी, वो कह रही थी कि आप इंसान को इंसान नहीं समझते, बुतने दरख्त से उतर के आते हैं, पैसे का गुरूर है, नौकर को नौकर नहीं समझते। और ओके ओके, रूफी ने क्या कहा? छोटे साहब ने क्या कहना था, पकड़ा हाथ से और निकाल दिया कमबख्त को बाहर। देखा बाबा साहब, आखिर मेरा छोटा भाई है, इस तरह की फजूल बातें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो क्या कहते हैं, मखमल में टाट का पेवन नहीं लग सकता, और अगर लग जाए तो ऐसे ही निकलता है जैसे छोटे साहब ने उस कमबख्त को निकाला। आपने उसे खुद अपनी आंखों से जाते हुए देखा? जी जी, 200%। 200%, पहले भी आपने यही कहा था। जी जी, माफी चाहता हूँ, उस वक्त कसम लेने मौजूद नहीं थी, बाद में आ गई थी कमबख्त। ओके, ठीक है बख्शी जी, यू कैन गो। आप जाएं, मैं जुल्फी के पास किसी और मुलाजिम को भेजता हूँ। नहीं नहीं साहब, मुलाजिम की क्या जरूरत, हम है ना नसल नसल आपके गुलाम, मैं संभाल लूंगा, बेफिक्र हो जाए। पहले अपने आप को तो संभाले बख्शी जी। याद आया साहब, और भी कुछ कह रही थी, बताऊं? ओके इनफ। अच्छा, नहीं सुनना चाह रहे तो मर्जी आप। कितनी आजादी है ना यहाँ पे, याद है जुल्फी जगह? मैं कैसे भूल सकता, यहीं तो हम पहली दफा मिले थे, और यहीं मैंने अहद किया था कि मैं सारी जिंदगी इस लड़की के साथ गुजारूं, वरना हमेशा तन्हा रह जाऊं। क्या हुआ बताओ, तुमने क्या सोचा था उस वक्त कि काश मेरी शादी इस डैशिंग हैंडसम आदमी से हो जाए? डैशिंग तो तुम हो, लेकिन तब ना मुझे अपने मसले मसाइल बहुत थे। क्या सोच रहे हो? देख रहा हूं कि एक इंसान इतना प्यारा कैसे हो सकता है। वैसे तुम इंसान हो या कोई बटन? बटन नहीं, इंसान ही। लेकिन मुझे ये डर है कि बाबा साहब को जब सारी बात पता चलेगी ना, तो मुझे अपनी बंदूक से उड़ा देंगे और फिर मैं एक बदरू बन जाऊंगी। लेकिन तब भी ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। बाबा साहब को बख्शी जी ने सर सारी रिपोर्टें दे चुके होंगे, इसलिए अगले 10 दिन आप सुकून करें। कराची? बाबा साहब, हमारा तो मरी जाने का इरादा है, आयशा वगैरह इंतजार करें। यस यस आई नो, लेकिन मैं कराची जा रहा हूँ।
हाँ तो सब ठीक है, वो लड़की तो जा चुकी है। वो लड़की इतनी आसानी से नहीं जाएगी, जरूर कोई चक्कर है, मुझे खुद जाना होगा। जब देखो मैं के जाने की रट, कल गई थी ना? वो तो मैं रूट के गई थी ना। जब मैं मनाने नहीं आया था तो वापस क्यों आई? दो दिन रख नहीं सकते वो तुम्हारी मर्दाना नामों वाली बहने? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो रोक रही थी लेकिन मुझे ही मुनासिब नहीं लगा। हाँ भाई, वैसे नाम तो तुम्हारा भी मर्दाना है, किश्वर जहाँ, जहाँ हटा दो तो लोग समझे कि मर्दी है। अच्छा चले छोड़ ना इन बातों को। रफीक मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए। पैसे? महीने का खर्चा तो दे दिया था, अब किस बात के पैसे? अब देखे ना रफीक, गर्मी का मौसम आ गया है, मुझे ना कुछ जोड़े बनवाने लॉन के अच्छे वाले। अब देखे, आपसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी, आपसे ही कहूंगी ना। वो तकिए के नीचे। हाय अल्लाह रफी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, कसम से बहुत ही अच्छे हैं। चलो छोड़ता जाऊं वो तुम्हारी मर्दाना वार आपा जहांगीर की तरफ। आप भी ना। तुमको यूनिवर्सिटी नहीं जाना? बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, डिस्टर्ब मत करो। मैच तो अभी खत्म हो जाएगा। हाँ तो ये सारा दिन क्या करेंगे? मजे। आखिर कब तक मजे करेंगे हम? क्या हुआ जुगनू? तुमने अपने बाबा साहब से यही बोला था ना कि तुमने चोरी पढ़ाई जारी रखने के लिए की है। हाँ तो फिर रोज रोज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेते हो। अगर यूनिवर्सिटी से किसी ने बाबा साहब से कांटेक्ट कर लिया तो? What? Are you telling me कि वो पिछले हफ्ते से यूनिवर्सिटी आया ही नहीं? ऐसा ही है। देखिए अगर उसका यही रूटीन रहा तो आई एम अफ्रेड कि वो इस सेमेस्टर में उसका पास करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं प्रोफेसर, माय बॉय इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, उसे पढ़ने का तो बहुत शौक है। हाँ, एक और बात, मैं असल में अपने स्टूडेंट्स के बारे में खासी मालूमात रखता हूँ, और ये जो आपका जुल्फी है, माफ कीजिएगा जुल्फिकार, ये किसी लड़की के चक्कर में है। जी मुझे मालूम है, लेकिन वो बात अब खत्म हो चुकी है। नहीं नहीं, ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। वैसे मैं खुद भी बच्चों को आजादी देने का कायल हूँ, लेकिन इस स्टेज पर उन्हें हमारी गाइडेंस की जरूरत होती है। जी जानता हूँ, हम खानदानी लोग हैं प्रोफेसर साहब, मेरे दो खूबसूरत जवान बेटे हैं, इन मामलात से हम गुजरते रहते हैं और इनसे निपटना भी जानते हैं। थैंक्स फॉर योर हेल्प। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एंड टू यू। अरे ऐसा कहाँ होता है, हम बच्चे थोड़ी हैं, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी यार, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही ना। अच्छा बाबा, कल चला जाऊंगा। वैसे तुम्हारी क्लासेस इवनिंग तक चलती है ना, मैं तो सिर्फ एक क्लास मिस हुई होगी। तुम क्या चाह रही हो, मैं घर से चला जाऊं? बिल्कुल। हाँ क्यों? हाय, ताकि मैं आराम से बैठ के घर में याशी करूं, आराम कर। तो ठीक है, मैं चला जाता हूं और देर से आऊंगा, और अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे फोन मत करना। नहीं करूंगी,
और वैसे भी मुझे किससे डर लगेगा, मुझसे बड़ा भूत कौन है? और अगर आप ही क्या ना, तो इस चुड़ैल से डर के भाग जाएगा। और अगर कोई भूत ना आ गया तो उसको भी देख लेंगे। जाइए जाइए जाइए। अब देखूंगी मैं अपनी पसंद की फिल्म। जल्दी आ जाएगा लेने के लिए, ऐसा ना हो कि मैं वहां बैठी रह जाऊं और सब ये हो जाए। कौन था ये बाबू साबू? अरे वही अपनी जुगनू का खसम, दूसरा वाला, बताया तो था आपको। बड़ा जबरदस्त मुर्गा फांसा है तुम्हारी भांजी ने, इसीलिए तो मैं नजरों में जचता नहीं। दो दिन नहीं रखने वाला, देख लीजिएगा। क्यों? अरे भाई ये अपनी जुगनू इस कदर जबान दराज, हर बात का फट से जवाब देती है, क्या ये अमीरजादा बर्दाश्त कर लेगा? नामुमकिन। हाँ तो फिर? हाँ वैसे जिस तरह निकला है गाड़ी, लगता है झगड़ा करके निकला है। ये आप कैसे कह सकते? लो तुमने अंदाज नहीं देखा, शादीशुदा आदमी जब इस तरह घर से निकलता है तो बीवी का सताया हुआ होता है। हाँ और ये तो है भी इतना अमीर। हाँ भाई ऐसों को लड़कियों की कमी नहीं होती। ये तो है। तो बस लिख के रख लो, चार दिन में फारिग ना कर दिया ना तो रफीक नाम नहीं। रफीक मैं ये सोच रही थी कि अभी तो मेरे पास बहुत जोड़े हैं, तो ये पैसे आप रख लें अभी। अच्छा चलो शाम को खुद ही आ जाना। जी बेटा। तुमने उस फितनी में गजब ढा दिया। अरे आप क्या करेगी, दूसरा खसम करना गाली थी, वो तो कर दिखाया। अरे दूसरे से भी फारिग खती समझो। हाय हाय क्या कह रही है? अरे सच कह रही हूँ आपा जहांगीर। हाय मेरा दिल तो धक से रह गया, साफ पता लग रहा था कि बीवी से लड़के निकला है, माथे पर शिकने थी। हाय हाय इतना दिल मेरा डर रहा था कि क्या बताऊं, सारा गुस्सा गाड़ी पर निकल रहा था उनका। अरे बस अब देख लेना, दो घंटे के अंदर अंदर यहाँ होगी मन। आपा कौन मेहमान आ रहे हैं दो घंटे के अंदर अंदर, मुझे पहले ही बता देना, किचन का काम होगा तो। ये भी बस रहने दो तुम तो, अरे कोई मेहमान मेहमान नहीं आ रहा, तुम्हारी लाडो का डोला घर वापस आ रहा है। अरे अल्लाह ना करे। भाई खुद फोन करके पूछ लो, मेरे सामने से दामाद साहब यूं गाड़ी लेके निकले, मेरी हिम्मत तो हुई नहीं पूछने की, अकलमंद को इशारा काफी होता है। जुल्फिकार यू आर नॉट अ किड, तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के हम शिकायत करें? डेफिनेटली नॉट सर। आज आपके वालिद आए थे। डोंट टेल मी, कब? अभी कुछ देर पहले, और वो मुझे ये ताकीद कर गए हैं कि मैं आपकी अटेंडेंस और आपकी परफॉर्मेंस से उनको अपडेट रखूं। मारे गए सर, अभी 5 मिनट में मेरी क्लास शुरू हो रही है। हाँ। और मैं और तुम साथ ही चलते क्लासरूम में, चलो। सर वो एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी। देयर इज नो मीटिंग एट ऑल, क्लास से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। चलिए बिल्कुल सर, आफ्टर यू सर। हेलो अम्मा। हेलो, सब खैरियत तो है जुगनू? हाँ हाँ सब खैरियत है, क्यों क्या हुआ? किशो बता रही थी कि जुल्फी बड़े गुस्से में गाड़ी लेकर जा रहा था। होश के नाखून कर जुगनू, अब अगर यहाँ भी कोई खराबी हो गई तो जहांगीर आपा तो गोद के खा जाएंगी। ओफो अम्मा, खाला किशो भी ना पर का परिंदा बना देती है, वो तो यूनिवर्सिटी गया है अम्मा, और तुम्हें तो पता है कि गाड़ी भी ना जहाज की तरह चलाता है वो। शुक्र है। अरे ये दोनों तो मुझे ऐसा हौलाती हैं कि बस। अम्मा इनकी बातों में क्यों आती हो तुम? इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने देनी मैंने, मैं इस घर से नहीं निकलूंगी। हाँ आमीन आमीन। अच्छा अम्मा इतना बड़ा फार्म हाउस है,
चल के थक जाती हूँ। मैं थोड़ा सा आराम करूंगी है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ तो आप इस किस्म की वाहियात ऑफर्स कर रहे हैं ना, ये 1 लाख 2 लाख वाली, ये मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं आपको बता रही हूँ। यू मैड वाहियात लड़की? हाँ हूँ बहुत वाहियात, और कत्ल कर दूंगी आपका। ओके स्टॉप। Bloody witch is gone. Chudail chali gayi. मुझे बहुत कह रही है। बाबा बाबा बाजन, बाजन, अस्सलाम वालेकुम बाजन, सब निकलो यहाँ से, get out, out, बाबा साहब, निकलो यहाँ से, get out, I said get out, मामा हुसैन, नहीं नहीं, जी सब, निकालो इनको यार। नो 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 नो, बख्शी साहब को छुट्टी करा के फिर यहाँ आ गई। ओ निकल यहाँ से। बाबा साहब मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। ओ लड़की निकल यहाँ से, मैं तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा। तुझे तो मैं ठीक करती हूँ, खबरदार जो तूने आगे कदम बढ़ाया खड़े खड़े काट दूंगी तुझे। और बाबा साहब आपको मेरी बात सुनना होगी, वो भी पूरी, और वो भी अकेले। मोहम्मद हुसैन तुम जाओ यहाँ से, मेरा बाबा साहब का मामला। आउट आउट आउट। साहब मैं रुकूं या जाऊं, बहुत सारे काम कर रहे हैं मैंने। मामा जी तुम जाओ। चोरी के नीचे दम तो लेने दो लड़की। जुगनू बेटा जुगनू जुगनू बेटा ये छुरी हटाओ, शाबाश, गुड गर्ल, शाबाश। अब आई ना लाइन पे, क्यूट। पिक अप द फोन। बाबा साहब वहां पहुंच गए तो आपको घर से उठा के बाहर फेंक देंगे। पिक अप पिक अप पिक अप। वाह 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 वाह, क्या बाल हैं, क्या चाल है, क्या ढाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, लगते आप वहीद मुराद ही हैं। अगर इन सफेद बालों को काला डाई कर लेना तो कसम से हीरो ही लगे। हीरो? ओके ओके, गेट टू द पॉइंट, काम की बात करो। बाबा साहब देखिए ना, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। खबरदार जो मुझे बाबा साहब कहा। हाँ आपकी कोई बेटी होती और इन सब हालात में होती तो आप क्या करते हो? लाहौल वाला कुवत, खुदा ना करे कि मेरी तुम्हारे जैसी कोई बेटी होती और तुम्हारे हालात, मेरे मासूम बेटे को फरगला कर तुमने उसे शादी कर ली, आवारा लड़की। अरे अरे वडेरे होंगे तो अपने घर में होंगे, मुझसे ज्यादा 3-5 मत कीजिए। ड्राइवर तो वैसे ही भाग गया है, उठा के आपको ऐसा फेंकूंगी कि कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। शट अप, काम की बात कर। काम की बात ये है कि ना मैं आवारा हूँ और ना ही मैंने आपके बेटे को फंसाया है। फिर मत बने, क्या औरतों की तरह ताना दे रहे हैं और चुप करके मेरी बात सुने। मैं हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी, क्या आपके उस मासूम से बेटे ने मेरी तलाक करवाई, मेरे शौहर को डराया धमकाया। तो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया और आप कह रहे हैं तो? घर टूट गया, आशियां जल गया, गुलसितार लुढ़ गया, तो मैं क्या करूं? ये बताओ कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगे? आप हीरो तो क्या, आप इंसान भी नहीं है। और ये सारी हीरो वाली बातें की थी ना, आपके लिए सब खत्म, फिनिश फिनिश, आप प्राण हैं। हाँ मैं विलन हूँ, मैं डॉन हूँ, डॉन। ये बताओ कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगे? और ये तुम्हारी जो
फटीचर सी दास्तान है मजलूमियत की, इसकी हकीकत भी मैं जानता हूं। उस फोटोग्राफर के साथ मिलकर तुमने मेरे बेटे को लूटने का मंसूबा बनाया था। तो ठीक है, आपने जो समझना है समझ लीजिए और दीजिए मेरे हाथ में मेरे 1 करोड़ रुपया हक मेहर का, अभी के अभी आपके बेटे को छोड़ दूंगी मैं। यू मैड? 1 करोड़ रुपया? आई नो मैड, जुल्फी मैड स्टूपिड, बल्कि सन ऑफ इडियट। शट अप! खबरदार, मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा तुमने? कहूंगी, मेरा शौहर है और मेरा बेटा है। ओके ओके, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा करते हैं कि तुम 1 लाख रुपए ले लो और यहाँ से जाओ। ये 1 लाख? 1? यस। मैं दे देती हूँ आपको 1 लाख रुपए और छोड़ दे मेरे जुल्फी को। ओके, ना जाओ। अब वो तुम्हें खुद ही तलाक भिजवा देगा। हाँ तो ठीक है, मैं आपका नाम बदनाम कर दूंगी अखबार में, अदालत में, इश्तहार में, और सबको बता दूंगी कि मुझ मजलूम का हक महर नहीं दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, 1 मिनट ठहरो, वेट वेट। ओके, 2 लाख ले लो अब, बस अब एक तो खुद रख लेना, एक उस फोटोग्राफर को दे देना। चले चले, उठिए और अभी की अभी निकलिए मेरे घर से। तुम्हारा घर ये मेरा घर है। हाँ तो आप इस किस्म की वाहियात ऑफर्स कर रहे हैं ना, ये 1 लाख 2 लाख वाली, ये मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं आपको बता रही हूँ। यू मैड वाहियात लड़की? हाँ हूँ बहुत वाहियात, और कत्ल कर दूंगी आपका। ओके स्टॉप, मैं जा रहा हूँ। ओके देखे, मैं तुम्हें देख लूंगा। यू बड़ी फोटो कर, आई सी यू टू निगा। मैं थक गई। हेलो शाहजहान, तुमसे कहा था जरा पानदान में चीजें भर के रख देना, तुम्हें तो भैया फुर्सत ही नहीं है। छोड़ो आपा, कसम से आज तो मैं बच गई। ऐ क्यों, क्या हुआ? है मैंने ये सोचा कि अपनी जुगनू भी तो शौहर का पैसा अपनी अम्मा को खिला रही है, तो मैंने भी झट से उनसे 2000 रुपए मांग लिए और उन्होंने भी खामोशी से दे दिए। अरे क्यों मांगे तूने उससे, जब वो खुद नहीं देता तो बेशरम बन के मांगने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, इसका तो मुझे ध्यान ही ना रहा, लेकिन जब वो लड़का गुस्से में गाड़ी यू फर्राटे से लेके निकला, मेरी तो जान ही निकल गई, मैंने तो झट से पैसे वापस कर दिए। पैसियों के साथ तो ऐसे ही होता है। वो क्या है किशो के अपने जुगनू है ना, उसी ने उसको यूनिवर्सिटी भेजा था, तो अब जाहिर है नौजवान लाडला अमीर ज्यादा है, आनाकानी दिखा रहा होगा अपनी। अरे कैसी आनाकानी? है कहाँ की आनाकानी आपा, वो लड़का तो ऐसे निकला जैसे बंदूक से निकली गोली ठा करके। वो किशो, ये जो साहबजादा जुल्फी है ना, अरे ये तो गाड़ी भी हवाई जहाज की तरह उड़ाते हैं। हवाई जहाज? अरे हवाई जहाज द रॉकेट, वो तो कुछ भिन्नाए हुए नजर आ रहे थे। शाहजहान बीबी, मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो ये है कि अपनी जुगनू की दुर्गत बनने वाली है, और वो भी खूब। आपा देखो तो कोई छालिया वगैरह तो पड़ी नहीं होगी। आए, कुछ भी नहीं है बेट, सब खत्म। चलिए ले ले दो दाने, ये पड़े। वकील आंटी, मैं तो बहुत ही परेशान, आपके अलावा और किसी को जानती भी नहीं हूँ, वो मुझे कत्ल भी करवा सकते थे, आपको पता है ये बात? तुम परेशान मत हो। अरे कोई किसी को कत्ल नहीं कर सकता, क्यों आसान खेल थोड़ी है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो इस वक्त है कहाँ? फिलहाल तो मैंने उन्हें डरा धमका के बाहर निकाल दिया और कमरा लॉक कर दिया। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या किया, खुद को तुमने खुद ही फंसा लिया। भाग के कहाँ जाऊंगी, इस दफा खाला जहांगीर के घर गई ना तो इन सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना है। तुम ऐसा करो, बाहर निकलो और अपने ससुर से माफी मांग लो, और अगर वो तुम्हें कहे ना कि यहाँ से निकल जाओ तो सीधे निकल के मेरे पास आ जाओ, बाकी मैं उन्हें खुद देख लूंगी। अच्छा चले ठीक है, खुदा हाफिज़।
जुगनू। चुड़ैल तो यहाँ नहीं है, वही इडियट दफन हो। तो झूठ पे झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। कसम ले ले बाबा साहब, मैं तो खुद परेशान हूं। वो तो बख्शी जी के जाने के बाद जबरदस्ती घुस आई थी अंदर। इतनी मुश्किल से मैं आज यूनिवर्सिटी तक गया हूं। Are you serious? कसम ले ले बाबा साहब। और मैं तो डर रहा था क्योंकि वो टीवी वालों को बताने का कह रही थी। हाँ है तो ऐसी लड़ी गोल्ड डिगर। हाँ आपको कैसे खबर? मैंने उससे बात करने की गलती की, उसने छुरी ताल ली मुझ पे, मुझे ऊपर आकर छुपना पड़ा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी। मैं तो खुद उसे जान चढ़ाता फिर रहा हूं बाबा साहब। ये मोहम्मद हुसैन गाड़ी की चाबी होने की पता नहीं कहां चला गया। चलो कम विद मी। कहां? पुलिस स्टेशन। अब मैं इस चुड़ैल को मजा चखाता हूं। उसने मुझसे टक्कर लिया ना, आई विल शो। कहां चले गए? बाबा साहब, बाबा साहब। हाय हाय, लगता है ज्यादा ही डर गए। पता नहीं कहां चले गए। गई यार, वैसे मैं भी बहुत पागल हूँ, कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी बाबा साहब से। अरे गाड़ी तो यही खड़ी है, लगता है पैदल ही कहीं घूम रहे हैं। वारंट हमारे पास, पकड़े इसको, देख कर रहे हैं। जरा ध्यान से, इसके पास हथियार भी होते हैं। बाबा साहब असलाह तो मैं आपको दिखा रही हूं। अरे क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने, लड़की क्या कर रही हो? ऐसे जो साहब, आपके थाने की हदूद में क्या हरकतें हो रही? अबे यार ये बेल्ट क्यों नहीं लग रहा? हाँ लग गया। अरे मियाँ कैसी हरकतें? मेरा मासूम बेटा यहाँ पढ़ने के लिए आया था। एक लड़की पड़ोस के लिए आती थी, वो चुड़ैल घर पे कब्जा करके बैठ गई है। तो लड़की का मसला है? हा? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है सचो साहब, एक बद किरदार और चालाक नौकरानी ने पहले मेरे मासूम से बेटे को फंसाया और जब ये उसके जाल में आ गया तो घर पे कब्जा करके बैठ गई है। कहती है कि वो इसकी निकाह में भी है और ये फाइल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और मुलजिमा को जल्द अज जल्द हदूद के केस में अंदर किया है। अरे साहब फाइल तो बिल्कुल ठीक कहती है कि लड़की कसूरवार है, बल्कि मुजरिम है वो, मुजरिम। क्यों गुलजार, तुम्हारा क्या इरादा है? इसको क्या इतराज होगा, ये तो बहुत ही मासूम बच्चा है। अरे मासूम है या इश्क में तो नहीं, बहुत परेशान है ये सारे सिचुएशन को देखते हुए। आप फौरन कोई एक्शन लें ताकि मुलजिमा को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अरे क्या हो गया आप, कितनी जल्दी गया? आप बैठिए, चाय वाय पीजिए, ठंडा पीजिए। आप फिक्र नहीं करें, चाय के पैसे मैं दूंगा। वैसे भी पुलिस वालों का काम है
अपनी मदद आप करना। एक बात बताऊं, ये पुलिस वाले की जो राय है ना, ये बड़े खुशकिस्मत लोग भेजे हैं। आप भी जरा पी के देखिए, फिर किसी दिन पी लेंगे। अरे तौबा है, डले के डले काट के रख दिए छाली आगे, मजा ले जो कोई काम ढंग से कर दे। अरे किशो, किशो क्या कह रही हो? अरे ये तो बता, कोई खैर खबर है उस कमबख्त की? खामोशी है, अगर कुछ होता तो वो मुआ नामुराद बख्शी ना आ जाता अपना मुंह फाड़े भेड़िए की तरह। अरे भाई सच पूछो, हमने भी जमाने गुजारे, इस किस्म के लोग ऐसी लड़कियों से सिर्फ दिल बहलाने को शादी करते हैं। दिल भर गया, निकाल बाहर किया है। आपा जहांगीर, कह तो तुम ठीक ही रही हो, मगर अपनी जुगनू मजे बड़े कर रही है। है तो कमबख्त हमारी भांजी, मगर ना जाने किस पर चली गई। पूरी की पूरी बाप पे पड़ी है, ऐसे ही थे मरहूम भी, इसी तरह खुदगर्ज। खुदगर्ज तो थे, जब ही तो इतनी कम उम्र लड़की से शादी कर ली। एक बात तो बताओ आपा जहांगीर, आखिर तुमने ये शादी होने कैसे दी? आए लो, मैं कौन सी उसकी मैया लगती थी? आए जहां नसीब थे वहां हो गए। अब कल कला को ये अपनी जुगनू कोई तमाशा खड़ा कर दे तो तुम फिर मेरे ऊपर आओगी कि मैंने क्यों किया? अरे भाई, जैसी बेलगाम ये लड़की है ऐसी माँ थी। वो तो शौहर के मरने के बाद जबान जरा बंद हुई है, और अब जरा इस लड़की के पांव जमीन पे टिक जाने दो, वो सर पे चढ़ के नाचेंगी कि बस देखते रहना। ठेंगे से बसेगी ये लड़की। जुल्फी फोन क्यों उठा लेता, यकीनन क्लास में होगा। पानी क्या होना है मेरे साथ? अल्लाह मियां, यही है वो चुड़ैल, पकड़ ले से जाने ना पाए। हाय अल्लाह, पुलिस! बाबा साहब शट अप, बाबा साहब की बच्ची, पकड़ ले इसको। एसएचओ साहब, इसने मुझ पर कातिलाना हमला किया है, 307 लगाए इस पर। दूर रहो मुझसे, मैं इस घर की बहू हूँ। अच्छा बहू, वाह 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 वाह, क्या बात है। चले बहू को उसके ससुराल ले चलते हैं। देखो भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मेरा शौहर अभी यूनिवर्सिटी से आने वाला है, तुम सब लोगों को सब कुछ बता देगा। शौहर? अरे वो बच्चा, मासूम बच्चा जो गांव से पढ़ने के लिए शहर में आया और तुमने उसे फांस लिया, बता दिया उसने मुझे। सूफी ने? हाँ। सब कुछ बता दिया? ये उर्जी ने बताया, और ये नखरे अदाए मुझे मत दिखाओ। हाँ तमीज से बात करो, और मुझे हाथ लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले नहीं लगाऊंगा हाथ भाई, मैं नहीं लगाऊंगा। अगर लेडीज पुलिस ने हाथ लगाया तो मेरा जुम्मा दोस्त बोस है, फिर मुझे मत कहना। अरे दोस्त बोस के बच्चे, पहले मेरा वारंट तो दिखाओ गिरफ्तारी का। अरे वो भी दिखा देंगे तुम्हें। हाँ दिखाओ, वारंट भी दिखा देंगे, है वारंट हमारे पास, पकड़े इसको, देख कर रहे हैं। अरे ध्यान से, इसके पास हथियार भी होते हैं। बाबा साहब असलाह तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अरे क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने, लड़की क्या कर रही हो? जुगनू, ये मेरे बाबा साहब हैं। सुना नौटंकी, क्या कहा बच्चे ने? ये उसके बाबा साहब हैं। चलो शराफत। I'm proud of you, my boy. देखो, खानदानी लोगों की जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात आते, लेकिन इन वाकयात को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। They are just events. One must move on. अब हम मरी जा रहे हैं, and we're gonna have a good time there. और वहां जाकर तुम अपने हाथ से गजालों को कड़े बनाओगे मंगने के। जी जी हाँ, मैं चाहता हूं कि हम एक नया ट्रेडिशन एस्टैब्लिश करें अपनी फैमिली में। गुड, यस, लेट्स गो।
Let's do this. Let's do this. चलो जी. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम. अम्मी ने न्याज भेजी है, दादाजी की बरसी थी आज. अच्छा, लाओ लाओ. बात सुनो, ये बराबर वाले फार्म हाउस में आजकल बड़ा सन्नाटा है, कुछ हुआ है क्या? आपको नहीं पता? नहीं, पूरी गली को मालूम है, तो पुलिस आई थी. पुलिस? जी जी. मगर क्यों? उनकी मुलाजम ने चालाकी से उनके बेटे को फांस लिया था. वो झूठ बोल रही थी कि निकाह किया है. तो फिर? फिर क्या, ले गए. कहाँ ले गए? थाने. हैं? जब किसी गरीब लड़की की शादी अपने ख्वाबों के शहजादे से होती है ना, तो जिंदगी फूलों की सेज की तरह नहीं होती अम्मा. बड़ा होशियार रहना पड़ता है. जुल्फी के बच्चे, दरवाजा खोल. ये थाने वाले फोन भी तो लेके रख लेते हैं. पापा, ऐसी बातें तो ना करो. मुझे लगता है कि किशो की बात सही हो गई है. अरे, उन लोगों ने तुझे निकाल बाहर फेंका. ऐसे कैसे कोई मुझे घर से बाहर निकाल सकता है? हाथ ना तोड़ दूं. आपने एक मासूम, बेचारी और गरीब लड़की के साथ अच्छा नहीं किया. फिर आप ऐसा कीजिए कि गजाला को लेकर छांगा गली चले जाइए लंच के लिए. मैंने बुकिंग करवा दी.